नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बलिया वैरिया गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत आवेदनाथ की पुण्यतिथि पर स्वावलंबी भारत को गति देने के लिए युवाओं के जागरूकता कार्यक्रम मंगलवार को वैरिया स्थित एक गेस्ट हाउस पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत व स्वावलंबी भारत की कल्पना गाँव के बिना अधूरी है। आत्मनिर्भर भारत दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर में नहीं बसती, भारत के 6.5 लाख गाँव में ही आत्मनिर्भर भारत बसती है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना गांव के किसान कृषि से ही संभव है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करके पूरे विश्व को यह संदेश देने का काम किया है कि आने वाले समय में भारत ही विश्व का गुरु बनेगा। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो। आज विश्व आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करने वाले सनातन परंपरा को कायम रखने के लिए पूज्य महंत जी ने, अशोकोपन जी ने अभियान चलाकर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में जो समाज में जागरण किया था, उसी का परिणाम है स्वावलंबी भारत, उसी का परिणाम है आत्मनिर्भर भारत। सनातन पर बहस करने वाले लोग इस बात को जान लेना चाहिए कि भारत की प्राणवायु है सनातन। सनातन ऐसे भारत से अलग, जब प्रकृति भारत से अलग नहीं हो सकते हैं तो प्रकृति का सत्य ही सनातन है और सत्य ही सनातन है। इस पर बहस करने वाले लोग थोड़े दिन के बाद हमने आ सकते और स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत। अभी मुझे याद है जब मैं 1991 में पहली बार सांसद हुआ, मैं दत्तोपन जी के मार्गदर्शन से 15 साल तक काम किया हूँ। हमसे उन्होंने कहा कि वीरेंद्र जी, संसद में आपका केवल और सिर्फ सवाल होगा गांव, गरीब, किसान और स्वदेशी। मैं लगातार कोशिश करते रहा गांव की, गरीब की, किसान की और स्वदेशी की संसद में बहस करते रहा, उस अभियान को चलाते रहा और संसद के बाहर। मुझे याद आता है कि दत्तोपन जी ने कहा था कि कभी लोग कहते थे कि भारत दिल्ली में बसता है, मुंबई में बसता है, कलकत्ता में बसता है, चेन्नई में बसता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत की कहानी बताती है कि भारत का स्वावलंबन जो है हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों से होकर गुजरता है और इसी का सपना देखा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, स्वावलंबी भारत। मुझे याद है मैं 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार सरपंच दे रहे थे, हम लोगों की संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान और झोपड़ियों के इंसान और नारियों के सम्मान के लिए।